ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम काफ़ी अच्छी अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। वेल, आपको मालूम होगा कि सैमसंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन अपने टाइम में रहा था सैमसंग गलेक्सी A52 5G, या फिर आप कह सकते हो इंडिया में A52 5G को A52S के नाम से रिलीज़ किया गया था, जो कि A52 हमें 4G वेरिएंट देखने को मिलता था, उसका 5G मॉडल था। यहाँ पर जो डिफरेंस था वो सिर्फ और सिर्फ 5G का था, एंड यहाँ पर हमें प्रोसेसर अलग देखने को मिलता था, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था। आई थिंक कैमरा भी चेंज था, कैमरा भी अपग्रेडेड था, जैसे कि अभी आप देख सकते हो रियलमी के 11 Pro 11 Pro Plus में देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें चार्जिंग भी अपग्रेड देखने को मिल जाती है, ऑल्दो यहाँ पर हमें गलेक्सी A52 के अंदर भी 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, बट आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है 15W का IS। ऑल्दो यहाँ पर जो ये मोबाइल है इसको एक नया FOT अपडेट मिला है, यहाँ पर ये नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये 5.1 का अपडेट है, वन UI वर्जन 5.1 हमें यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि वन UI 5.1 और 5.0 में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन थोड़े सी कह रहे हैं की हुए तो हो सकता है की हो, तो जो भी है यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 255 MB के आसपास की है, जुलाई 2023 का सिक्योरिटी अवेलेबल हमें देखने को मिल जाता है। ऑल्दो मैं 0.1 के इतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब भाई सैमसंग को ये चीज़ रखनी चाहिए अपने एक्सक्लूसिव फ्लिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि वहाँ पर यार फोल्डेबल स्मार्टफोन है तो वहाँ पर एक डिफरेंट यूज़र एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो वहाँ पर वन यू आई वर्जन भी हमें डिफरेंट देखने को मिलना चाहिए। मतलब अगर आप वही वन यू आई वर्जन उसमें दे रहे हो, वही वन यू आई वर्जन आप इसमें भी दे रहे हो, तो फिर वो चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। होल तो वहाँ पर UI उसका अलग ही होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर चेंजेस होते हैं, जो मल्टीटास्किंग है उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक नॉर्मल सैमसंग स्मार्टफोन जो नॉन फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसके कंपैरिजन में। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका वन UI वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन जो नॉर्मली जो नॉन फोल्डेबल स्मार्टफोन है। बट सैमसंग यहाँ पर क्या करता है ना कि मतलब लोगों को भी तड़प सी होती है कि भाई ये वन UI 5.1 आ गया तो हमारे भी स्मार्टफोन माना चाहिए। ऑल्दो इंप्रूवमेंट कुछ होता नहीं है सिवाय मतलब नाम के, नाम अपग्रेड हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अपग्रेड एक्चुअल अपग्रेड जब होता है, जब जैसे कि आपने देखा होगा वन UI 2.5 आया था अपने टाइम में, तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया था, और एक टाइम में 1.1 भी आया था, आई थिंक वो 3.1.1 आया था, तो वहाँ पर जो है डार्क मोड को इंप्रूव किया गया था, जो एनिमेशन है उसको स्मूथ कर दिया गया था, जिसके अंदर भी वन UI 3.1.1 आया था। तो ऐसा अगर कुछ इंप्रूवमेंट होते तो बात समझ में आती है, बट यहाँ पर सिवाय नाम के कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम अपग्रेड हो रहा है। बट स्टिल मैं कहूँगा अगर सैमसंग सभी में रोल आउट करा तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे A52S के अंदर सैमसंग ने रोल आउट किया। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको क्या इंप्रूवमेंट लगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अच्छे अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, सनिंग आउट।